हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा कर दिया मेरा। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने देखा 10,000 सब्सक्राइबर। ओ माय गॉड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 10,000 सब्सक्राइबर सो सून, बट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। सो आज मेरा वीडियो बनाने का एक रीज़न ये था कि बहुतों ने ये क्वेश्चन किया कि आप ऊपर चढ़ी क्यों, चढ़ी कैसे, अगर चढ़ी तो आपके घर में कोई लडर या सीढ़ी नहीं थी, आपसे वीडियो मतलब पैसे बनाने के लिए आप लोगों ने ये वीडियो अपलोड किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सबका आंसर भी एक साथ ही मैं दे दूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि अरे आज तुमने मतलब ईशा ने कोई आंसर नहीं दिया आप लोगों के क्वेश्चन का। सो पहला, ये सही बात है कि मेरे घर में कोई सीढ़ी नहीं थी, कोई लैडर नहीं था। तो बात ये हुई कि मैं जब इस बार इंडिया गई तो मेरे ससुराल में बहुत दिन से ऊपर, आप देखे होंगे ऊपर जहाँ पे मैं चढ़ी थी, ऑलमोस्ट पाँच छः साल से वहाँ माइक्रोवेव रखा हुआ था। तो मैंने पूछा अपने घर में कि आप लोग माइक्रोवेव यूज़ क्यों नहीं करते हो, इट विल ईजी टू यू नो बेक केक और कप केक, और घर में इतने बच्चे हैं वो भी मज़े से खाएंगे, बाहर का ना खा के घर की चीज़ें प्योर खाएंगे, आप पिज़्ज़ा भी बेक कर सकते हो, लॉट्स ऑफ थिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ख़राब हो गया है और हाँ टेक्नीशियन किसको ज़रूरत है। तो मैंने बोला कि ओके नो वरीज, आप नीचे उतारो, मैं टेक्नीशियन को बुला देती हूँ, या आप ही लोग टेक्नीशियन को बुला दो और वो फिक्स कर देगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर चढ़ेगा कौन? तो वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, चढ़ेगा क्यों? तो मैं, एक होता है कि आप जाओ इतने सालों बाद इंडिया, तो एक आप एक्साइटेड होते हैं, नहीं ये काम भी मैं कर लूँगी, क्योंकि आप बाहर जब रहो ना तो आपको सारे काम आप खुद करते हो, तो आपको लगता है कि वो काम भी आप कर लोगे। तो मैं कही कि मैं चढ़ जाती हूँ, तो सब हंसने लगे, कह रहे अरे ऐसे कैसे तुम चढ़ जाओगी, गिर जाओगी, चोट लग जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टूल पे मैं खड़ी हुई, मेरे हस्बैंड अनी ने मेरे को थोड़ा सा फोर्स किया, पुश किया पीछे से, और मैं ऊपर चढ़ गई। चढ़ने को तो मैं चढ़ गई, माइक्रोवेव भी उतार दी, आप नीचे देख भी सकते हो कॉर्नर में माइक्रोवेव रखा हुआ है, माइक्रोवेव भी उतर गया। ऊपर बहुत धूल मिट्टी थी, आप देख सकते हो मेरे ड्रेस पे भी थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई है। तो चढ़ने को तो मैं चढ़ गई, एक्साइटमेंट में होता है ना, एक्साइटमेंट में आदमी चढ़ जाता है, वो तो तब पता चलता है जब एक्साइटमेंट आपकी डाउन हो जाती है कि अरे अब नीचे उतरोगे कैसे। तो सब उन्होंने कहा कि कूद जाओ, नीचे गद्दा लगा दिया, कूद जाओ, चोट नहीं आएगी। मैंने कहा सीरियसली सीरियसली कूदना है? तो मैं तो भाई उस समय डाउन, तो उसे शॉक्ड हो गई, नहीं यार मैं कूद नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने अनी से कहा, अनी ने मेरे को हेल्प की। उसके बाद तो आप देख ही सकते हो कि उस गाने मतलब उस वीडियो में कि कैसे मैं उतरी। तो ये कहानी रही उतरने की। चढ़ने का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एक्साइटमेंट होगी उतरने का, जस्ट फॉर अ फन। एक होता है ना फैमिली में कोई फनी मोमेंट होता है, जैसे बच्चे कोई फनी काम करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वैसे ही बड़ों की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये हुआ कि अन्नी उतार रहे हैं ईशा को ऊपर से, तो सब लोग पीछे से हुटिंग भी करने लगे, भाभी भाभी भाभी, भैया भैया भैया, तो सब, तो उसके वजह से वो वीडियो बना अनइंटेंशनली मैंने अपलोड किया। आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हो कि कोई वीडियो मैंने इसके पहले फैमिली की नहीं अपलोड की थी, सिर्फ यही वीडियो अपलोड की है। इसके पहले मैं सिर्फ अपने बच्चों की वीडियो अपलोड करती थी। तो जो जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप पैसे के लिए कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस एक फ़न के लिए की थी। एज मैंने पहले वीडियो में भी यही बोला था, कुछ लोगों के कमेंट आई रियली अप्रिशिएट, वो बहुत अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं अच्छे थे, बट अब थोड़ा सा यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिसलाइक नहीं करो, डिसलाइक का भी बटन है, स्वाइप की भी चीज़ होती है, आपको नहीं पसंद है आप स्वाइप कर दो, डिसलाइक कर दो, बट यार ज़रूरी है कि आप जाके कमेंट बॉक्स में गंदा वर्ड बोलो ही? इससे क्या पता चलता है? अरे ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप लाइक डिसलाइक करो, लेकिन यार कमेंट आप सोच के भी करो ना कि उस वीडियो को लोग भी देख रहे हैं। बट ऑल गुड, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर आप चीज़ें डाले हो सोशल प्लेटफॉर्म में तो आपको अच्छी बुरी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो आप बोल सकते हो, बट ऑल गुड। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं कि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा डालूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी और अच्छे अच्छे वीडियो डालूं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जहाँ घूमने जाऊँ मैं वहाँ का डालूँ, और आप लोगों को भी वो चीज़ें पता चलें कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप भी कभी फ्यूचर में आओ तो आप लोग भी वहाँ वहाँ घूम सकते हो, या आपके कोई क्वेश्चन होंगे वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बताऊँगी।
और तब तक के लिए ये वीडियो मैं बंद करती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत बिजी हूँ। अभी अपने बेटे के स्कूल जाना है और वहाँ केक स्टॉल लगा है, केक सबमिट करना है, फिर उसके बाद मुझे वोट देना है। आज वोटिंग डे है, नहीं दी इंडिया की तरह नहीं है कि आप नहीं दिए इट्स ओके, यहाँ पे अगर आप नहीं दिए तो यू हैव टू पे फाइन और वो फाइन बहुत ज़्यादा होता है जो कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो तब तक के लिए बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।